सत्तू या रोस्टेड ग्राम फ्लावर एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल एयर कंडीशनर है जो गर्मी के टाइम हमारे शरीर को ठंडा रखता है और सर्दी के टाइम हमारे शरीर को गर्म रखता है। वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सितापा। आज हम बनाएंगे सत्तू का चीला जो आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम सत्तू ले लिया है, उसमें एक टीस्पून पहले नमक मिलाया और फिर एक चौथाई टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर मिला दिया और फिर हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेंगे। पहले फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक स्मूथ लम्प फ्री बैटर बना लेना है। और ये वाला बैटर बनाने में जैसे हमने 200 ग्राम सत्तू लिया है तो करीब करीब 200 ml ही हमें पानी चाहिए, बस थोड़ा सा कम चाहिए 200 ml से। और ये बैटर जो है वो बहुत थिक बैटर नहीं होना है। अगर बहुत थिक बैटर होता है ना तो चीला एकदम मोटा मोटा डोरमैट की तरह बनता है जो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा ये रनिंग कंसिस्टेंसी में बैटर हमें बना लेना है। फिर हम एक फाइनली चॉप्ड अनियन को इसके अंदर डाल देंगे और अदरक और हरी मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक को भी फाइनली चॉप कर देंगे और अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च मिलाएंगे और खूब सारा हरा धनिया मिला देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे और पहले मैंने नमक थोड़ा कम ही डाला था। अब एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, अगर थोड़ा सा नमक की कमी है तो और थोड़ा नमक हम ऊपर से मिला देंगे। थोड़ा नमक कम लगा तो मैं थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब एक तवे को बहुत अच्छी तरह से हम गर्म करके इसके ऊपर एक टीस्पून तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और फिर इस तेल को बहुत अच्छी तरह से हम पूरे तवे पे ब्रश कर देंगे और जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सारा हम एक टिश्यू पेपर से निकाल देंगे। फिर हम इसमें ये बैटर ऐड कर देंगे। अब चीला का साइज कैसा रखना है वो आपके ऊपर है। ये सत्तू के चीला का एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही फ्रेजाइल होता है, मतलब आप इसको टर्न करते जाओगे ना बहुत जल्दी ये टूट जाता है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा चीला ना ही बनाए। एकदम हाई हीट में पहले हमें चीला को आधा मिनट तक फ्राई कर लेना है एक साइड से और इसमें हमें एक टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करना है। फिर सारे साइड्स को हम पहले तवे से अलग कर लेंगे। अब जैसे ही ऊपर बहुत सारा बबल दिखने लगे तो बहुत ही आराम से हमें इसको टर्न कर देना है और दूसरे साइड भी बहुत अच्छी तरह से हमें हाई हीट में फ्राई कर लेना है। चीला थोड़ा सा टूट जाए तो कोई बात नहीं है, वो देखने में थोड़ा खराब लग सकता है पर टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। बस चीला हमारा रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देना है और ठंडे ठंडे बटर मिल्क के साथ ये चीला को अब ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना।